नमस्कार प्रणाम, क्या हाल चाल। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जो लोग नई गाड़ी है गारंटी के अंदर है, या तो फिर जो है उनके दिमाग में ये बात है कि इंजन ख़राब हो जाएगा, चूँकि वो ये सोच करके किट नहीं लगवाते हैं और उनका रन ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ इस बात को सोच के नहीं लगवाते हैं कि गाड़ी हमारी अभी 500 किलोमीटर भी नहीं चली है या 5000 भी नहीं चली है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप जब भी गाड़ी उठाते हैं तो एक मकसद से उठाते हैं, आपका रन कितना है, उसका यूज क्या है, ये आपका सबसे पहला एक कंसल्ट होता है माइंडली, उसके बाद ही आप गाड़ी लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जब आप गाड़ी उठाइए नई, आपको ये पता है कि अगर आपका रन 50 किलोमीटर डेली कम से कम अगर है तो आपको ये बात दिमाग से निकाल देनी है। करना क्या है आपको ये बता रहे हैं, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि आपको ध्यान क्या देने वाला है। क्योंकि जैसे कि हम भी एक गाड़ी उठाए थे नई मारुति ओमनी आनंद मोटर्स मटियारी, नई गाड़ी थी, उसमें भी फॉल्ट था। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम नई गाड़ी उठाते हैं, खास करके अभी तक तो मुझे जो फॉल्ट मिला है इस 20-22 साल 25 साल की उम्र में मतलब तजुर्बा में, तो मारुति में एक गाड़ी ओमनी में मिला है फॉल्ट, बाकी अगर किसी कंपनी में स्टार्टिंग में फॉल्ट नहीं मिला है। तो इसीलिए हम सोचे कि आज एक वीडियो इस पर स्पेशल बनाया जाए कि इसको आप कैसे चेक करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गाड़ी जब भी आप उठाने के लिए जाते हैं तो आपको पता नहीं है और आप देख नहीं सकते हैं, और इंजन के अंदर का जो फॉल्ट है वो दिखता भी नहीं है, यही बात सत्य है, और वो सुन करके समझ करके महसूस किया जा सकता है। अब उस पर कई बार क्या होता है कि सर्विस सेंटर वाले या जो गाड़ी हमें रिटेल करता है, जो बेचता है लड़का, वो हमें समझाता है, और जब गाड़ी में फॉल्ट होता है तो वो भी नहीं समझ पाता क्योंकि वो दिखने वाली चीज़ नहीं होती है, और दिखने वाली भाई मिसिंग कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, इंजन के अंदर का फॉल्ट कोई दिखने वाला तो है नहीं। अब आप देखेंगे कैसे और परखेंगे कैसे ये आपको हम बताते हैं। आपको इजीली कुछ नहीं करना है, बाहर गाड़ी निकालिए, मतलब गेट के बाहर नहीं, गेट के अंदर, क्योंकि गेट के निकलने के बाद तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद गाड़ी की सिवाय सर्विस होगी और कल आइए सही हो जाएगा, परसों आइए सही हो जाएगा, इसका ये चीज़ फॉल्ट है, ये बनने के लिए जाएगा और बन करके आएगा, रिप्लेस के लिए गया हुआ है, इसका कंप्लेन किया गया है, इसका ये पार्ट्स मंगाया गया है, ये पार्ट्स इसका ऑर्डर में है, यही सब कहानी लगा रहेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बेहतरीन निजात आपको तरीका हम बता रहे हैं अपने तजुर्बा से, जो हमने अब तक सीखा वो ये है, आपको कुछ नहीं करना है, गेट के अंदर ही बाहर गाड़ी खड़ी करनी है, और गाड़ी रिसीव करने से पहले जिस समय गाड़ी का आप डॉक्यूमेंट तैयार करें कि हाँ मुझे ये गाड़ी फाइनल करनी है, उस गाड़ी का चेसिस नंबर आप चेक कर लें और उसके बाद उसको स्टार्ट करें गाड़ी को। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एक इंच ऊपर से साइलेंसर जहाँ पे है, एक इंच ऊपर से ऐसे यहाँ से आपको नोट लटकाना है इसकी, एक इंच दूर, आप देख रहे हैं हमारी उंगली का पोजीशन देख के समझ जाइए, इतने दूर पे आपको पकड़ना है और उसके स्पीड को समझना है, नोट का स्पीड जो है वो क्या है। नोट एकदम कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, कंटिन्यू चलेगा बराबर, अगर इस नोट के चाल में जरा सा भी झटका आया, फटाका आया या लेफ्ट राइट हुआ या कुछ भी हुआ XYZ, तो आप ये समझ लें कि इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट है और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उस गाड़ी को आपको नहीं लेना है जो साइलेंसर की एक इंच दूर और एक इंच ऊपर से आप नोट लटकाएंगे। गाड़ी जब तक आपकी बराबर स्पीड में नहीं चलती है, एकदम कंटिन्यू फोर्स उसका आना चाहिए, अगर इंजन के अंदर कहीं से कोई फॉल्ट है, जरा सा भी कहीं से कोई मिस्टेक है, तो आप यकीन मानिए कि वो गाड़ी मज़ा नहीं देगी। और ऐसी ही गाड़ियाँ होती है जो गाड़ी, देखिए एक दो बातें यहाँ पे हम कहेंगे, स्विफ्ट डिजायर 8 इंजेक्टर मेरे पास CNG किट लगने आई थी, जो किट लगने के बाद जब लड़के से मेरी बात हुई, लड़के ने कहा भैया इसका 8 का एवरेज है, और जब हमने उस गाड़ी को स्टार्ट किया तो वाकई में स्टार्टिंग उसका लंबा था, स्टार्टिंग लंबा के साथ साथ जब हमने उसको चेक किया तो एक इंजेक्टर उसका एकदम डायरेक्ट था। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट किया, एक इंजेक्टर से डायरेक्ट पेट्रोल निकल रहा था, मतलब ब्रेक नहीं हो रहा था, इंजेक्टर ही खराब था, वो करंट गया और बंद नहीं हो रहा था,
अब आप बताइए इस तरीके का फॉल्ट नई गाड़ी में होता है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है बहुत कारगर है, खास करके उनके लिए जो एक बार फंस गए हों उनके लिए, और अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए। अगर शोरूम से गाड़ी आप उठाने जा रहे हैं तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान दें और ऐसे करके आप गाड़ी उठाएं। और इस तरह से परफेक्ट गाड़ी में अगर आप सीएनजी किट लगाते हैं तो जहां तक मेरा तजुर्बा है वहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इंजन में तो कोई फॉल्ट नहीं आएगा इस बात की तो पक्का आप समझ लीजिए। और फॉल्ट आता भी है तो आपका कम से कम समय से सर्विस अगर आप कर रहे हैं, टाइम से आयल आयल फिल्टर एयर फिल्टर और आपका टाइम टू टाइम गियर ऑयल वगैरह चेंज हो रहा है, सही समय से सारा चीज़ अगर करवा रहे हैं तो 2.5 लाख किलोमीटर भाई साहब बोलना तो नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे, जब पेट्रोल गाड़ी होती है तो हम रन थोड़ा सा कम करते हैं, खराब रास्तों में भी कम चलते हैं, लेकिन अगर हमारी गाड़ी सीएनजी होती है तो हमारा रन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो आपको भी इस पर फोकस करना है, इसलिए आपको समय से सर्विस करवाना है। स्पार्क प्लग आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 किलोमीटर पे एनजीके कंपनी या डेंसो कंपनी का डाल देना है। इतना अगर आप करके चला रहे हैं गाड़ी में मज़ा आएगा, हो 100 में 100। और ये वीडियो हमारा था नई जो किट लगवाना चाहते हैं उनके लिए, खास करके नई गाड़ियों के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली बार अगली वीडियो में। अब चलते हैं कुछ लाइव कमेंट भी ले लिया जाए और लाइव आते हैं, उसके बाद जो है आप लोग से बातचीत होती है, ठीक है बॉस, थैंक यू।